अब तुम्हारे पास हाँ अब मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी बुला रही है प्रभा तुम्हारी भी अम्मा बुला रही चलो भैया अम्मा तो हमेशा बुलाती है आप जाओ हम थोड़ी देर में आ जाएंगे अरे नहीं नहीं उन्होंने अभी बुलाया चलो अब देख रहे हो ना कि हम खेल रहे हैं बहुत हो गया खेलना चलो तुम्हारी साड़ी खरीदने का टाइम आ गया है साड़ी साड़ी भैया अम्मा सच में साड़ी खरीदने वाली है हाँ कल रात को तुम दोनों की शादी है शादी अरुण भैया आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना हर्ष मजाक कर रहा होता किसके साथ होगी हमारी शादी कौन होगा हमारा धनी वही जो सबका धनी ऊपर वाला अब चलो चलो 9 साल की दो मासूम बच्चियां मीना और प्रभा मासूमियत की चादर में लिपटी अब साड़ियां पहनने वाली थी उन दोनों को इस बात का कोई आभास नहीं था कि इसका क्या मतलब है वो तो बस नए कपड़े और होने वाले जश्न को लेकर सभी बच्चों की तरह फूली नहीं समा रही थी दूध के दांत ठीक से गिरे नहीं थे और इन बच्चियों को एक भयंकर अमानवीय प्रथा निकलने वाली थी और फिर आई वो काली रात और शुरू हुई वो विधियां जो पूरनमासी को अमावस बना दी मीना और प्रभा के अलावा इस सामूहिक बर्बादी में और भी बच्चियां शामिल थीं।
सबकी सहमति है? जी। तुम सब माए अपने मर्जी से देवी अम्मा को अपनी बेटियां भेंट कर रही हैं। जी जी। अब तो तुम ये भी जानती होंगी कि आज से ये बच्चियां देवी अम्मा की हो गई। जी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं है, नहीं। ये हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, बालिक होने के बाद बगावत कर सकती है, अपनी मर्जी जता सकती है, देवी अम्मा को छोड़ने की बात कर सकती है। क्या तब तुम देवी अम्मा की इज्जत रखोगे, सुधारोगे उन्हें, रोकोगे उन्हें? ऐसा कुछ नहीं होने देंगे पुजारी जी। हाँ तो लड़कियों खुश हो, आज से तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी मस्ती भी नहीं चलेगी, जो देवी अम्मा तुम्हें कहेगी वही तुम करोगे। समझ में आ गई बात? अब तुम्हारा कोई एक पति भी कभी नहीं होगा, ठीक है? हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन कम से कम 6 घरों में तुम्हें भिक्षा मांगनी होगी। आज से, अभी से जो भी कोई तकलीफ हो वो होठों पे नहीं आएगी, तुम्हारे होठों पे सिर्फ मुस्कुराहट रहेगी। तुम्हारे होठ खाने के लिए भी नहीं खुलेंगे जब तक देवी अम्मा नहीं। आज से तुम्हारी शादी प्रभु से हो गई, अब तुम प्रभुदासिया हो। गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली, पेड़ों से झूलने वाली, हवा से तेज दौड़ने वाली, बोलने से ज्यादा हंसने वाली इन बच्चियों ने रात भर चली उन रस्मों को खेल समझ लिया था। उन्हें रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि अगली सुबह से वो जिंदगी भर के लिए अंधेरे से ब्याई गई थी। लेकिन आने वाले सालों में इनमें से एक बच्ची इस अंधेरे को बगावत के तीर से चीरने वाली थी, एक ऐसी प्रथा को तोड़ने वाली थी जो उसकी माँ और सारे गाँव के लिए सोचना भी असंभव था। 9 साल की थी जब मुझे और मेरी सहेली प्रभा को प्रभुदासी बना दिया गया। हमें तो उस वक्त उसका मतलब भी नहीं पता था। एक बार प्रभुदासी मतलब जिंदगी भर के लिए प्रभुदासी, ये तो बचपन में ही तय हुआ था ना कि मीना प्रभुदासी बनेगी और प्रभुदासी ही मरेगी। मीना चल उस घर में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। मुंह मत बना, मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन करना है ना, चलो। अम्मा भिक्षा बोल। भिक्षा अम्मा भिक्षा बोल ना। भिक्षा शांति, पुरुषा ने तेरे पूरे पैसे दिए हैं, तू अब पूरी तरीके से उसकी हो गई है, समझी? अब मुझे कितना भी मारो पर मैं कभी नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी चल, कैसे नहीं मानेगी तू चल।
प्रभा, तूने देखा शांति दीदी कितना रो रही थी? मैं तो नहीं रोऊंगी, तू भी मत रोना। अम्मा कह रही थी 3-4 साल बाद हमारी भी बारी आएगी, कोई हमें भी खरीद ले जाएगा, रोने से बेकार में पिटाई होगी। मीना, देवी अम्मा का भोग ले आ जल्दी। हाँ अम्मा। मीना जा, अरुण को बुला के ला खाना खाने के लिए। अरुण भैया खाना। हाँ अम्मा। भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। क्यों? शर्म आती है। पागल, शर्म नहीं गर्व महसूस कर, हम प्रभुदासियां हैं, भिक्षा पाना हमारा हक है और पेट भरने का यही तरीका है हमारा, समझे? कोई और तरीका क्यों नहीं है, मैं काम वाम कर लूंगी, भीख मांगना छी छी मत बोल मीना, भीख मांग कर ही तुम दोनों को इतना बड़ा किया है। भैया तो भीख नहीं मांगते, वो तो काम करते है ना। तू प्रभुदासी वो नहीं, तू भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती, इस बात को गांठ मार ले, दोबारा मत बोलना, चल खाना खा। अरुण भैया, अरुण भैया। मीना, मुझे आपसे बात करनी है। इस वक्त? आपने कभी हमारे पापा को देखा है? नहीं। हमारे बाबा कहाँ है और प्रभा के बाबा कहाँ है? हम लोगों के बाबा नहीं होते, हमें पता नहीं होता हम किसके बच्चे हैं। दुखी है? ठीक मांगना अच्छा नहीं लगता, पहले अच्छा था, पहले हम खेलते थे, बहुत मजा आता था। क्योंकि तब तेरी शादी थोड़ी हुई थी। आपकी हुई है ना, तो फिर मेरे और पापा की है क्यों, आपके क्यों नहीं? कि जब मैं 6 साल का था ना तब तू पैदा हुई, वरना मेरी भी शादी हो जाती प्रभु से, प्रभुदासा बना देते मुझे, लेकिन तू आई ना, सब बहुत खुश हुए, क्योंकि प्रभुदासी के लोग सादा पसंद। मुझे पहले ही पता था कि अम्मा मुझसे उतनी खुश नहीं है जितनी तेरे पैदा होने के बाद हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि तू प्रभुदासी की प्रथा को आगे बढ़ा सकती है ना। मतलब जब अम्मा छोटी थी तब उनकी अम्मा ने भी उन्हें प्रभुदासी बना दिया था? हाँ शायद, लेकिन अम्मा ने नहीं, सारे गांव ने। प्रभा की अम्मा को भी? शायद उसे भी। भैया आज मैंने और प्रभा ने ना कुछ देखा। क्या? शांति दीदी है ना, शांति दीदी, हाँ। उन्हें ना घसीटते हुए किसी आदमी के पास लेकर जा रहे थे, उनकी अम्मा ने उसे भेज दिया। वैसे ही होता है, अगर किसी आदमी को कोई प्रभुदासी पसंद आ जाती है ना तो उसे पैसे देकर कुछ समय के लिए अपने पास रख लेता है, और जब उसका दिल भर जाता है वो उसे वापस लौटा देता है, और फिर कोई दूसरा आदमी आता है फिर पैसे देता है। यही होती है प्रभुदासी की जिंदगी, ऐसे ही पेट भरता है उनका, या तो किसी आदमी के साथ रहो या भीख मांगो। मतलब मुझे भी कोई खरीदेगा? हाँ शायद, लेकिन आजकल में नहीं, कुछ सालों बाद मैंने आज ही अम्मा को किसी से बात करते हुए सुना, उसे तो बहुत पसंद आई है और उसे तो अभी चाहिए। हाँ चल मीना। मीरा पता है मेरे लिए मांग आई है, ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं, पर अम्मा ने मना कर दिया। हमें इतने पैसे क्यों देते हैं और लोग हमें खरीद कर क्यों लेकर जाते हैं? अम्मा कह रही थी रिवाज है। हम दोबारा स्कूल क्यों नहीं जा सकते बाकी बच्चों की तरह?
अम्मा कह रही थी वो स्कूल बेकार है, हम एक नए स्कूल में जाएंगे। सच? वो नाचने वाले स्कूल में पार्वती अम्मा है ना, वो हमें नाचना सिखाएंगी। मेरी अम्मा तेरी अम्मा से बात करेंगी इस बारे में। अम्मा गुस्सा क्यों हो? क्योंकि तू काम में दिल नहीं लगाती, इतने सालों बाद भी मुझे तुझसे ज्यादा भीख मिलती। अरे बच्चियों को तो लोग बड़ों से ज्यादा देते हैं, वो भी खुशी खुशी। अम्मा आप मुझे किसी को दे दोगी? ऐसे कैसे दे दूंगी, जो सेठ तेरी नथ उतारने के लिए सबसे ज्यादा पैसे देगा ना उसे दूंगी। मतलब कुमारी से औरत बनाना, जो तुझे बहुत प्यार करेगा, तेरे साथ सोएगा, उसे। मुझे सिर्फ आप ही प्यार करो और कोई नहीं, मुझे आप अपने पास रख लो। ठीक है मुंह मत बना, इतने जल्दी किसी को नहीं दे रही मैं तुझे, बड़ी हो जाएगी तो अपने आप समझ जाएगी। अम्मा मुझे प्रभुदासी का मतलब पता नहीं था, मैं नहीं करूंगी ये सब, मुझे स्कूल जाना है। फालतू बातें मत कर मीना, एक बार प्रभुदासी मतलब जिंदगी भर के लिए प्रभुदासी। शादी हुई है तेरी प्रभु से और शादी ना ही कभी तोड़ी जाती है ना ही छोड़ी जाती। मैं वापस स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहाँ की चार किताबें पेट नहीं भरेंगी लेकिन घुंघरू भरेंगे। छह साल भीख मांगने के बाद, नाच सीखने के बाद मीना 15 साल की हो गई थी और उसके कुंवारेपन के लिए अब बोलियां लगनी शुरू हो गई थी। बचपन में उठे सवालों के पौधे अब मीना के मन में जड़ें पकड़ चुके थे लेकिन वो उन्हें बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मीना बलराम जी बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका। देख तू अगर उनको खुश रखेगी ना तो जिंदगी भर उन्हीं की दासी मिलने का सौभाग्य बनेगा, किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरुण भैया चलती हूँ, अम्मा जाने से पहले एक बार प्रभा से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ जा मिल ले, बचपन की सहेली है तेरी, बहन जैसी है ना। मीना तकदीर वाली है तू, तगड़ा धनी मिला है तुझे। तकदीर वाली तो तू है प्रभा, तुझे किसी के साथ भेजा नहीं जा रहा। भेजा जा रहा है? अरे मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चला। अम्मा बोली पता नहीं कोई पूछता हुआ आया था, अम्मा ने हाँ कह दिया। तो कौन है और कहाँ जाएगी तू? कुछ नहीं पता, और इसके बाद क्या पता हम कब मिलेंगे। आजा अब से तू यहां रहेगी। मैं आपके साथ उस घर में क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वहां मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो यहां कभी नहीं आएंगे और तू वहां कभी नहीं जाएगी, लेकिन मैं आऊंगा रात को। मैं दिन भर यहां क्या करूंगी? सोएगी, आराम करेगी, भरपूर खाना खाएगी। तेरी अम्मा बोली मुझे कि तुझे भिक्षा पसंद नहीं है,
मुझे भी पसंद नहीं है। आज से तू कभी भी भिक्षा नहीं मांगेगी। खुश, कल तैयार हो जा रात के लिए। आज हमारी पहली रात है, समझी ना? छह साल पहले जब तू प्रभुदासी बनी थी, मैं भी था मंदिर के बाहर। मैंने तो तेरी अम्मा से तभी मांग की थी, लेकिन वो बोली कि पहले इसे बड़ी होने दो। तो अच्छे से बड़ी हुई है मीना। आजा। मेरी अम्मा भी प्रभुदासी थी, उसकी अम्मा भी, और उसकी अम्मा की अम्मा भी। मेरे और अरुण भैया के बाबा कौन है अम्मा? हम प्रभुदासी हैं। वो सारे मर्द हमारे धनी हैं, जिनकी हम सेवा करते। पर बाकी सभी औरतों का तो एक ही पति होता है ना? पर हम अलग हैं मीनू। हमारी शादी प्रभु से की जाती, सालों से यही प्रथा है, इसलिए हमारी शादी किसी इंसान से नहीं हो सकती। लेकिन अम्मा, बच्चे तो इंसान ही पैदा करते हैं ना, तो हमें किस आदमी ने पैदा किया? मुझे नहीं पता, और जानना जरूरी भी नहीं। अरुण मेरा पहला बच्चा है, उसके बाद तो बेटियां हुई थी जो पैदा होते ही चल बसी, फिर तू आई, मेरा हीरा। जानती है, तेरे आने से पहले मैं बहुत उदास रहती थी, मन ही नहीं करता था कि दूसरा हो, मगर देवी अम्मा ने मुझे भेंट दी तेरे रूप में। अम्मा, बलराम जी मुझे ले जाने वाले हैं। तुम कह रही थी कि वो मुझे जिंदगी भर रख सकते हैं, तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला? नहीं रे, इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी मेरी। नथ उतरने के कुछ दिन बाद ही वो मुझे छोड़ गया। उसके बाद तो कितने धनी आए गिनती भी भूल गई। तुम्हें अच्छा लगता था अम्मा, अलग अलग धनियों के साथ रहना? अच्छा लगने या ना लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मीना। हम प्रभुदासी हैं, हमारा काम ही है सारी धनियों को खुश रखना, दिल से खुश रखना, और बच्चे पैदा करना। बच्चे के लिए देवी माँ से प्रार्थना कर, बच्चियाँ होंगी तो हमारा सहारा बनेंगी, यही हमारी प्रथा है और हमारी तकदीर भी। प्रथा मंजूर नहीं थी उसे, तकदीर कबूल नहीं थी उसे। दिल की आवाज कह रही थी मुझे ये नहीं करना, पर जुबां ये कहने के लिए अभी तैयार नहीं थी। इस जिल्लत, इस दर्द का कोई विकल्प सामने नहीं था उसके, अभी तक तो नहीं था। उसकी उम्र की तमाम लड़कियों के लिए जो आम चीजें थी, उनसे उसे वंचित रखा गया था। कहा गया था कि वो आम नहीं है, वो चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। कुमार अवस्था के सपने, अरमान, इच्छाएं अब भी मीना को छोड़ नहीं रहे थे, पर उसे बार बार जताया जाता था कि उसका इन पर कोई अधिकार नहीं है। उसकी जिंदगी में चाहत की जगह नहीं थी, बल्कि सिर्फ सेवा लिखी थी। बार बार उसे ख्याल गिरफ्त में लेता कि उसे मालूम नहीं था कि जिसे उसने खेल समझा था वो दरअसल एक भयानक सजा थी। हर पल ये सवाल उसे कुरेदता था, क्या यही है मेरा जीवन?
मीना सामान बांध ले। क्यों धनी? तुझे तेरे घर छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों? अब मैं तुझे और नहीं रख सकता। क्या मीना इसे रिहाई समझकर खुश होती या आने वाले हालात को लेकर उदास होती, मीना ये तय भी नहीं कर पा रही थी। पर उसका इस्तेमाल करने वाले मर्द के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राघव जी। मालकिन। कौन है रही है? ये मीना है मालकिन, साहब ने खरीदा इसे, प्रभुदासी है। घर ले आया हूँ क्या उसे? अरे नौकरों वाले कमरे में रहती है, आंगन में। आंगन तो हमारे ही घर का है ना। देखिए मैं नहीं चाहती कि उस तरह खेल का साया मेरी बच्चियों पर पड़े। तू पत्नी है मेरी, मान है तेरा, वो तो बस एक दासी है, जरूरत पूरी करती है मेरी। आपकी जरूरत आप जानो। देखिए धमकी मत समझिए, बच्चियों को लेकर मैं मायके चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। अब आप ही सोच लो जरूरत प्यारी है या इज्जत। अरुण भैया कहाँ है? काम पर? पता नहीं, यहां नहीं रहता आजकल। क्यों? शादी कर ली, नया घर बसा लिया। शादी? भैया की शादी हो गई और मुझे बोला तक नहीं। मुझे बोला था लेकिन बुलाया नहीं, उसकी अपनी जिंदगी ये जी लेने दे। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही मीना, जल्दी तुझे कोई नया धनी मिले बस। ना मिला तो? ऐसे नहीं बोलते मीना, देवी अम्मा किसी ना किसी को रोज भेजेगी, भूखा नहीं सुनाई। अरुण भैया। अरे मीना कैसी है तू? कब आई? एक हफ्ता हुआ। बलराम जी की पत्नी को मेरा वहां होना पसंद नहीं था, वो छोड़ गए मुझे। तो अब रोज अलग अलग लोग आते होंगे घर पर। सुधा इधर आओ, आओ। मीना छोटी बहन। भैया प्रभा के घर पे ताला लगा है, आपको पता है वो कहाँ है आजकल? नहीं मुझे नहीं मालूम, वो तेरे जाने के 10 दिन बाद चली गई। लेकिन उसकी अम्मा? नहीं अम्मा का भी नहीं पता। और उसका धनी वो कहाँ है, किस गांव में? मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, मगर ऐसा सुना है कि कोई 50 से 60 साल का कोई आदमी है। पूरा दिन तो कभी पूरी रात,
मीना प्रथा के नाम पर अलग अलग मर्दों की जिस्मानी जरूरतें पूरी किए जा रही थी। उसका मन, उसकी आत्मा, उसका छन्नी हो रहा शरीर इस नर्क के अंधेरे में रोशनी के लिए तरस रहा था। पर वो सूरज कहां था जो रोशनी का एक तिनका उसकी ओर फेंकता। बहन समान अपनी बचपन की सहेली, उसकी बदनसीबी की भागीदार प्रभा का हालचाल जानने के लिए मीना बेचैन थी। कई और साल गुजर गए। वो वक्त आया जब उस जैसी बाकी सभी लड़कियां अतीत और भविष्य दोनों को दफन कर सिर्फ वर्तमान से जूझती हैं, पर मीना के दिल में रिहाई की चाहत अब भी चौकड़ी मार कर बैठी थी। मीना, कल एक धनी आ रहा है, तेरे बारे में सुन रखा है उसने। जवान है, अर्जुन नाम है। तू मेरी बात सुन भी रही है नहीं? हाँ माँ। मैंने सुना है बहुत पैसे वाला है। देवी माँ से प्रार्थना कर कि तुझे हमेशा के लिए रख ले। ठीक है अम्मा। बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा, उम्र भी तो हो रही है हम दोनों की। अम्मा वो मैं अगर अरुण भैया और सुधा भाभी की तरह शादी कर लूँ। ऐसा सोचना भी मत, हमें बनाया ही गया है देवी अम्मा की दुनिया की सेवा करने के लिए। ऐसा ख्याल भी मन में मत लाना, श्राप लगेगा हम दोनों को। और क्या श्राप लगना बाकी है अम्मा? प्रभु दासी होने के लिए नसीब चाहिए, हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है। देख जल्दी से जल्दी मुझे एक बेटी का मुंह दिखा, उसके बाद और बेटियों, जो हमारा नाम, हमारा काम, हमारी प्रथा को आगे बढ़ाए। जी मैं अर्जुन, मैंने कहा था आज मैं आऊंगा। हाँ आइए, मीना आप ही का इंतजार करें। मेरा दोस्त सतीश कह रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं आया था तुम्हारे पास। जी मेरे पास रोज कई लोग आते हैं, वो मेरा नाम पूछता है मगर मैं किसी का नाम कभी नहीं पूछती। मेरा नाम अर्जुन है, याद रखोगी या भूल जाओगी? शुरू करे धनी। अर्जुन रोज रोज आने लगा है। हाँ काफी लंबा बैठता है, करता क्या है? वही तो सभी करते हैं। लगता है काफी खुश है तेरे साथ। पता नहीं, जानती इसका बाप ना बहुत बड़ा लंबरदार है, हिमावली गांव में रहते, बड़े घर में, इनका घर व रोड वोड बनाने का काम है। एक बात बता, ये अर्जुन ने तुझे कभी खरीदने की बात नहीं की? नहीं। तो बात क्या करता है, इतना लंबा तो कोई नहीं बैठता। अपने घर वालों के बारे में बताता है, मेरे बारे में पूछता है। बुलाएगा ना तो उससे बात कर ले, उसको बोलना कि खरीद लो मुझे, जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी होकर रहूं। मेरा दिल करता है वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सोच मीना कितना भला हो जाएगा ना हम दोनों का। एक बात बोलूं मीना, ये जो तू ऐसे मुंह बनाती है ना बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे हम प्रभु दासियां हैं, हमारा काम है हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, लोगों को खुश करना। तू ऐसे मन लगा के भक्ति से काम नहीं करेगी ना मीना, श्राप लगेगा, श्राप देवी अम्मा का।
अम्मा मेरे दिन चढ़ गए अम्मा दिन चढ़ गए यो देवी अम्मा देवी अम्मा देवी अम्मा बेटी हो देवी अम्मा सुंदर सी बेटी आपकी सेवा के लिए जब उदास उदासी होती तो यहाँ पे आके बैठती हूँ तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि तुम यही मिलोगी तालाब के किनारे धनी एक बात कहनी थी बोलो वो मेरा दिल नहीं कर रहा है क्या हुआ देखिए आप हमेशा मेरे साथ इज्जत से प्यार से पेश आते हैं इसलिए हिम्मत करके कह रही हूँ कुछ दिन सिर्फ कुछ दिन मुझे अकेला रहने दीजिए वो छूने से मुझे अजीब सा लग रहा है मैं डॉक्टर के पास भी गई थी उन्होंने बताया कि मैं 1.5 महीना पेट से हूँ गए 3 महीने से मैं ही तुम्हारे पास आ है ना हाँ पूरा पूरा दिन मेरे साथ ही बैठते हो तो ये बच्चा मेरा है अम्मा कहती है हम प्रभु दासियों के बच्चों की सिर्फ अम्मा होती है बाप का नाम तो कोई याद भी नहीं रखता लेकिन मैं आपका नाम याद रखूंगी अर्जुन मीना ये गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री जहां पे कई औरतें काम करती मजदूरी काम लेकिन जिंदगी बसर हो सकती मीना तुम आपसे किसी और के साथ मत बैठो नौकरी कैसी नौकरी दिलाने की बात कर रही है अर्जुन का बच्चा क्या मतलब है उसका मतलब है अम्मा वो चाहता है कि अब मैं किसी और के साथ ना बैठूं मीना तेरी एक ही नौकरी प्रभु की नौकरी प्रभु की चाकरी धनियों की सेवा करना उन्हें खुश रखना शरीर देना पीढ़ियों से हम यही करते आए कोई नौकरी फोकरी नहीं कर सकती तू देवी अम्मा को जवाब देना होता है जवाब लेकिन अम्मा मैं मेहनत करके दोनों का पेट पालूंगी और इसके लिए भी इस बच्चे के साथ मीना बगावत को जन्म दे रही तेरी शादी के वक्त मैंने पुजारी जी को जो वचन दिया था तू उसे तोड़ने की बात कर रही है बालिक होने के बाद बगावत कर सकती अपनी मर्जी जता सकती है ऐसा कुछ नहीं होने देंगे पुजारी जी अब तुम्हारा कोई एक पति भी कभी नहीं होगा ठीक है लेकिन अम्मा अम्मा मुझे अब नई और अच्छी जिंदगी चाहिए तुम्हारे लिए मेरे लिए और इस बच्चे के लिए भी हाँ वहां उस फैक्ट्री में 2 पैसे कमा के तू अच्छी जिंदगी जिएगी अरे यहाँ घर में उससे 6 गुना ज्यादा कमा लेगी लेकिन ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मा ये सब गंदा है सेवा है मीना तो ऐसी सेवा मुझे पसंद नहीं अम्मा रोज अलग अलग मर्दों के साथ सोना इसे थोड़ी ना सेवा कहते हैं अम्मा मुझे असली काम करना है मुझे काम करने दो अम्मा मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए माथा फिर गया तेरा मीना माथा फिर गया तेरे को नौकरी करनी है ना जा नौकरी कर लेकिन इस बच्चे के बारे में मत सोचना खबरदार क्यों ना सोचूं मेरा बच्चा है बच्चों मत बोल मीना बच्ची बोल बच्ची और ये तेरी बच्ची नहीं देवी अम्मा की भेंट है वंश है हमारी ये वही करेगी जिसमें ये पैदा होगी अगर तूने इससे अलग जाके कुछ करने की कोशिश की ना तो वो मैं अपने जीते जी होने नहीं दूंगी पूरा गांव मेरे साथ होगा प्रभु दासी की प्रथा टूट नहीं सकती विश्वविख्यात ब्राजीलियन साहित्यकार पॉलो कोयलो ने लिखा है
कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिलो दिमाग से चाहो तो पूरी कायनात साजिश करती है कि आपको आपकी मंजिल मिले। मीना की मंजिल थी उस जिल्लत के दलदल से निकलना जो उसे पत्थर की लिखी तकदीर बताई गई थी। मीना की मंजिल थी उस प्रथा की सलाखों को तोड़ना जो उसे और उसकी संतान को वेश्यावृत्ति में जकड़ना चाहती थी। मीना की जुबान पर इस दकियानुसी पिछड़ी हुई और अमानवीय प्रथा ने खामोशी का ताला जरूर लगाया था, लेकिन उसका दिल बचपन से चीखता आया था एक बेहतर जिंदगी के लिए। अब मीना जिंदगी के उस कगार पर खड़ी थी जहां सामने केवल निराशा की खाई थी, लेकिन उसके परे उम्मीद की एक छोटी सी चोटी दिखने लगी थी और इस चोटी पर चढ़ने की हिम्मत उसे दे रही थी उसके पेट में पल रही नन्ही सी जान। और मीना को सहारे का एक साया नजर आया था उस बच्चे के बाप में जो उसकी जिंदगी में दूसरे मर्दों की तरह अपनी जिस्मानी भूख मिटाने आया था, लेकिन जिसकी इंसानियत ने मीना को अपनापन महसूस करवाया था। पर क्या मीना प्रथा और वंश की इन सलाखों को तोड़ पाएगी? क्या वो अपनी तकदीर खुद लिख पाएगी? मीना एक कठिन लड़ाई के मैदान में उतर रही थी, एक ऐसी लड़ाई जो कभी किसी के लिए आसान नहीं रही। मीना की गाथा का वो हिस्सा जो उस जिंदगी से बिल्कुल अलग है जो आपने आज देखी, वो हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे मीना की कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में। और साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि मीना की बहन जैसी सहेली प्रभा, उसे जिंदगी ने कैसे पत्ते बांटे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख, हम सबको जय हिंद।